आज हमारे साथ बैठे हैं दीपक सैनी जी। दीपक जी, हमने सुना है आपके अंदर अलग अलग नेताओं की आत्मा आ जाती है, आज कौन से नेता की आत्मा आने वाली है? देखिए, माँ सरस्वती की कृपा है और आज मैं बुलाता हूँ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को। अब उनकी आत्मा मेरे अंदर प्रवेश कर जाएगी। आप जो सवाल पूछेंगे केजरीवाल जी जवाब देंगे। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। ये कैसे किया तूने? अब आप सवाल पूछिए, कुछ भी पूछिए, पूरी सीबीआई की जांच कर लो, यहीं पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मैं चेक कर लेता हूँ। केजरीवाल जी, ये बताइए, दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी कौन है? अगर मैं भी ईमानदार नहीं हूँ तो इस दुनिया के अंदर कोई भी ईमानदार नहीं है। इस धरती पे कोई ईमानदार है ही नहीं। शफी ईमानदार भी ईमानदार नहीं था, मैं ये मानता हूँ। अच्छा, और सबसे करप्ट? सबसे करप्ट को तो आप जानते हो, नाम नहीं लूंगा। अभी बड़ी मुश्किल से माफी मांग के कई बड़े नेता बचे हैं। मैं नहीं नाम लेना चाहता किसी करप्ट का। सारे करप्ट है, ईमानदार तो एक ही है, सारे करप्ट है। तो केजरीवाल जी, सीबीआई वाली पूछताछ शुरू करते हैं आपसे। पूछताछ से डर लगता है आपको? मैं डरता नहीं हूँ। मैं सूली पे चढ़ा दो बेशक मनीष को, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ भी? शराब घोटाले में आपका नाम आया है, ये घोटाला किसके लिए किया था आपने? देखो, मेरा नाम पूरे ब्रह्मांड में आपको हर जगह दिखाई देगा। अब क्योंकि वो हर जगह दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है कि वो घोटाले में भी कोई ना कोई डाल देगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम घोटाला, ये तो देश की जनता तय करेगी, अदालत तय करेगी। कोई, मैं तो बरी हो गया हूँ, मुझे छोड़ दिया सीबीआई ने। मुझसे पूछताछ की और उन्होंने मान लिया कि हम कट्टर ईमानदार आदमी हैं। तो फिर 9 घंटे तक बैठकर क्या हुआ था? अब ये सब तो आपको नहीं बता सकते, YouTube पे डाल देंगे, बाद में आपको सब पता लग जाएगा क्या क्या हुआ था। उनके कुछ सवाल थे, मैंने उनका सवालों का जवाब दे दिया। वो बड़े खुश हुए, कहते हैं अरविंद जी हम तो आपको गलत समझते थे। अब वो मेरी सच्चाई मान गए। उन्होंने कहा कि अगर आप भी बेईमान हो सकते हो तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। ये मान लिया उन लोगों ने और हमारी जीत हो गई। हम सीबीआई से मैं बरी होके आ गया, मुझे छोड़ दिया, क्लीन चिट मिल गई मुझे, क्लीन चिट एकदम। अच्छा, ये बताइए केजरीवाल जी, आपके अलावा इस शराब घोटाले में और कौन कौन शामिल है? देखिए, मैं नहीं था इसके अंदर, और कौन कौन था ये तो अदालत बताएगी। मैं नहीं था इसके अंदर, मेरा क्या लेना देना है शराब से? हम तो कुछ बेहतरी चाहते थे कि लोग शराब पीते थे, कितनी बीमारियां हो जाती थी। हम तो एक नई तरह की शराब, सॉरी शराब नीति नई तरह की लाना चाहते थे, जिसके अंदर नई किस्म की शराब हो। उसको ये देश समझ नहीं पाया, इन लोगों ने भटका दिया। आपने देखा होगा शराब की बोतल के ऊपर काफ़ी कुछ उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए थे, वो पढ़ नहीं पाए ये लोग, ये भाजपा वाले बता नहीं पाए पढ़ के। पढ़ते भी कैसे, ये तो हमारा ही शिक्षा मंत्री है जो 70 सालों में इतना पढ़ा लिखा आया है, वो जेल में चला गया, कौन पढ़ के बताता? तो फायदे थे नहीं, फायदों की चर्चा होती रही और उन्होंने मुझे छोड़ दिया, मैं बरी हो गया, सीबीआई ने छोड़ा, क्लीन चिट दे दी मुझे, क्लीन चिट। केजरीवाल जी, हमारे पास सबूत है कि आप 4 बार फेस टाइम पर आए, 4 बार आपने फेस टाइम पर शराब के आरोपियों से बात की। क्या बात की आपने इन आरोपियों से? मुझे नहीं लगता ऐसा फेस टाइम पे कभी आए थे ये, तो मुझे लगता है कि झूठ बोला जा रहा है, सरासर झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा फेस टाइम पे मैं आया हूँ क्योंकि मैंने बताया कि मैं हर जगह जाता हूँ, मैं फेस टाइम पे भी जाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी आता हूँ और ये जितने भी सब चलते हैं सब पे आता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। हमने क्या घोटाला कर दिया? आप इतनी अच्छी शराब अगर हमने दिल्ली वालों को दे दी तो क्या घोटाला कर दिया बताओ? इतनी दूर जाके आदमी शराब पीता था, पी के गिर जाता था, कोई बचाने वाला नहीं मिलता था। आज आपके घर के नज़दीक बनवा दिया है, कोई अगर आपको पी के गिर जाती है तो कोई ना कोई तो बचा लेता है। आप कितना फ़ायदा है, फ़ायदे नहीं दिखाई दे रहे आपको? ऐसी शराब बनाई है पूरी दुनिया में नहीं मिलती, ऐसी इको फ्रेंडली शराब, मेरी रंग बदल देती है वो, गिरगिट वाले तत्व आ गए हैं उसके अंदर, आपको पता नहीं है। अगर वो बेड शीट पे गिर जाए डिटर्जेंट बन जाती है, पूरी बेड शीट को धो देती है, आप उसको बुरा मानते हैं क्या? अगर आपकी शराब की बोतल फर्श पे गिर जाए फ्लोर क्लीनर बन जाती है, नींबू की महकार वाली फ्लोर क्लीनर, आप जानते नहीं। आजकल यूथ मुझे पता है कि कुछ गाने वगैरह सुनता है काफ़ी, और वो मुंह से ऐसे बोतल लगा के पीता है, पूरे फेस पे भी कभी गिर जाती है, तो वाइन फेशियल का काम करती है। ऐसी इको फ्रेंडली क्वालिटी वाली वाइन हम दिल्ली को देना चाहते थे और दे भी रहे हैं, आप हमें रोक नहीं सकते इससे। शराब घोटाले में शराब तो शराब, शराब की खाली बोतलों का भी खूब इस्तेमाल किया आप और आपकी पार्टी ने, ये तो पॉजिटिव बात है। आखिर देश में कबाड़ा किस लिए करना है? अब आपको दिल्ली वाला घबराना नहीं है कि आपके घर में इतनी सारी बोतल इकट्ठी होगी, हमारे नेता आएंगे वो लेके जाएंगे। ये क्या बात करता है यार? ताहिर हुसैन को ये लोग जेल में डाल सकते हैं, उसके विचार को नहीं डाल सकते। हमारा कोई ना कोई और नेता आएगा, खाली बोतल्स को ले जाएगा, छतों पे इस्तेमाल करेगा,
और कबाड़े से गुलेल बनाएगा, कबाड़ा भी बर्बाद नहीं होने देंगे देश का। ये तो अच्छी बात है ना जो आप कह रहे हो, पॉजिटिव बातें हैं ये तो। मनीष सिसोदिया के अलावा क्या और भी कोई शामिल था इस शराब घोटाले में, जैसे सत्येंद्र जैन या कोई और? मनीष कैसे घोटाला कर सकता है, वो तो 6 बजे उठ जाता था, 7 बजे CBI आ जाती थी। मुझे समझ में नहीं आया ये लोग क्यों। सत्येंद्र जैन के बारे में भी, उसको बेचारे को कुछ याद ही नहीं है, उसकी तो याददाश्त चली गई, आपने सुना होगा, उसका कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है, बाकी सब भूल गया है वो। अच्छा शराब घोटाले को छोड़िए, आप तो ये बताइए राघव चड्ढा परिणीति से शादी कर रहा है? मुझे लगता है काफ़ी पर्सनल सवाल है ये तो, हमें कोई लेना देना नहीं, कोई किसी से भी शादी करे, कहीं से कुछ भी करे, पार्टी का ऑर्डर हमें दे, हम अच्छी पार्टी दिल्ली के अंदर उनको करके देंगे। निगम भी हमारा हो गया, निगम में जितने भी सामुदायिक भवन बने हुए हैं उसी के अंदर दोनों की शादी अगर वो चाहते हैं तो करेंगे। क्या ये सच है आपके घर सैमसंग का TV है, क्योंकि LG आपको पसंद नहीं? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, काहे का LG, कौन सा LG, समझ में नहीं आता मुझे, कहाँ से आप LG लेके आ जाते हो? अरे क्या करना है ऐसे LG का, हमारे को बार बार LG का नाम लेके चिढ़ा रहे हो मेरे को। ये सारे मीडिया वाले चिढ़ाते हैं मुझे LG का नाम लेके, ये इस देश के अंदर बदलना पड़ेगा, दिल्ली की जनता बदल के मानेगी। सुना है कि मीडिया आपको CBI से पहले यानी कि हमसे पहले बरी कर रही है, क्या आपने मीडिया को कुछ पिला रखा है या शायद कुछ खिला रखा है? नहीं मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो कि हमने कुछ खिला रखा है पिला रखा है, हमें ज़रूरत ही नहीं, हम तो पूरी दिल्ली को पिला रहे हैं, इसमें खाली मीडिया को आप क्यों गिनते हैं, पूरी दिल्ली को हम लोग पिला रहे हैं, और खिलाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम कौन होते हैं खिलाने वाले, हम तो आम आदमी है जी, हम कुछ भी नहीं खिला सकते, पिला जरूर सकते हैं। मेरी नानी कहा करती थी सबकी दवा दारू का ध्यान रखना है, वही मैं रख रहा हूँ। अच्छा जी सब छोड़िए, आप तो ये बताइए क्या पियेंगे? मुझे आप बस जाने दीजिए, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे समाचार वगैरह देखने, कुछ नए नए और कुछ मुझे चीज़ें देखनी है, मूवीज़ देखनी है, गाने में बहुत गाता हूँ, और मुझे यहाँ से निकलने के बाद मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता हूँ जब आप लोग ऐसी बातें करते हैं, तो फिर संजय सिंह मुझे मोटिवेट करता है गाना गा के, वो एक गाना बड़ा अच्छा गाता है। अब ये तो क्योंकि उसने इतना समय बिताया है सिनेमा घर के बाहर, लोग मुझे बताते हैं, कुछ लोग अंदर समय बिताते हैं कुछ बाहर, तो उसने बड़ा अच्छा समय बिताया, वो एक गाना बड़ा अच्छा गाता है और किसी भी प्लेटफॉर्म पे गा देता है, रुके न तू झुके न तू, तू वो इनकलाब, बड़ा अच्छा गाता है वो, आप भी सुनिएगा। धन्यवाद।